हेलो फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी का सेवन चैप्टर इवोल्यूशन। इसके पिछले फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बता दिया है। अब ये सिक्स्थ और लास्ट वीडियो है जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो अब इसमें हम इवोल्यूशन को ब्रीफली देखेंगे किस तरह से हुआ। तो देखिए, इवोल्यूशन को हमने देखा है, इवोल्यूशन का मतलब क्या था, स्पेसिएशन, मतलब नया स्पीसीज का बनना। तो ज़्यादातर जो थ्योरीज थे, डार्विनिज्म, लैमार्किज्म, इनका कहना था कि इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है, लेकिन म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डी ब्रीज ने कहा इवोल्यूशन अचानक से हुआ, सडन से हुआ है, क्योंकि म्यूटेशन से होता है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखिए, सबसे पहले लाइफ की ओरिजिन हुई समुद्र में, वहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने जिनको अपन प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट बने, ये सभी अभी फिलहाल एक सेल वाले हैं, यूनिसेलुलर, जिसको एसेलुलर कहते हैं। फिर ये सेल्स आपस में डिवीजन करे तो आपस में ग्रुपिंग करने लग गए, और ग्रुपिंग किए तो सबसे पहले पोरीफेरा बना। फिर पोरीफेरा में डेवलपमेंट हुआ तो सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथीस, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, फिर इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। इस तरह से इवोल्यूशन चलता गया। और ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये पिछले 3 अरब साल से लेकर के अब तक हुआ है, 3 बिलियंस। पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ है, 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो पृथ्वी का निर्माण हुआ, अर्थ का। उसके 50 करोड़ साल तक तो पानी वानी की व्यवस्था होती रही, सब कुछ होता रहा। फिर आज से 4 अरब साल पहले लाइफ की ओरिजिन की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई थी। प्रोसेस में सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल बने, फिर उससे ऑर्गेनिक मटेरियल बने, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रोटोसेल्स बने, और प्रोटोसेल से फिर सेल्स बने जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं। तो ये जो प्रोटोसेल या प्रोकैरियोटिक सेल बने, ये आज से 3 अरब साल पहले इनका निर्माण शुरू हुआ। उससे पहले तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब मॉलिक्यूल्स बनते रहे 1 अरब साल तक, क्योंकि 4 अरब साल पहले से स्टार्ट हुआ। फिर अगले 1 अरब साल तक, यानी अब से 3 अरब साल पहले तक, ये सारे काम होते रहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले। फिर 3 अरब साल पहले से सेल्स का निर्माण शुरू हुआ, जो कि आगे 1 अरब साल तक चला, यानी आज से 2 अरब साल पहले सेल्स का निर्माण हो पाया, आप ये कह सकते हैं। तो पिछले 2 अरब सालों को हम इधर अगर बांटते हैं तो अपन उसको प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, इस टाइप के एराज में बांटते हैं। 3-4 एरा हैं जो इधर बनते हैं प्रोटेरोजोइक से, प्रोटोजोआ जहाँ से बने हैं वहाँ से। उससे पहले के जो एरा थे वो आर्कियोजोइक और एजोइक एरा थे, है ना। एजोइक में तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, आर्कियोजोइक में ये जो प्रोकैरियोट्स वगैरह हैं ये सब बने। फिर प्रोटेरोजोइक में प्रोटोजोआ, फिर पैलियोजोइक के आते आते तक फिश और ये सब बन गए, और इधर आपके ये बन गए टेडोफाइटा। मीसोजोइक में रेप्टाइल्स तक बन चुके थे, और इधर जिम्नोस्पर्म बन चुके थे। फिर इधर जो सिनोजोइक है अभी, इसमें एंजियोस्पर्म्स और मैमल्स, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। तो इन्हीं सभी चीज़ों को अभी अपन इवोल्यूशनरी ट्री में हम इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स का निर्माण कैसे कैसे हुआ और एनिमल्स का। तो इसके लिए 2 चार्ट यहाँ पर बने हुए हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अबाउट 2000 मिलियंस ईयर्स एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। मैंने कहा था ना, 2000 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो ये हुआ इतने लाख, और इतने लाख का मतलब ही ये 2 अरब साल हुआ, ठीक है। तो पृथ्वी बनी थी 4.5 अरब साल पहले, और 2 अरब साल पहले पहली बार सेल्स का निर्माण हुआ। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमालिक्यूल्स कुड इवॉल्व इंटू सेल्स विथ मेम्ब्रेनस एनवेलप इज नॉट नोन। तो पहले इनऑर्गेनिक बने, फिर ऑर्गेनिक बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट होने से कुछ इस तरह के बड़े मॉलिक्यूल्स बने जिनसे आगे चल के सेल्स का निर्माण हुआ। इसमें उसका नाम नहीं दिया है, हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इस एग्रीगेट को कोएजर वेट कहा जाता है, कोएजर वेट, ठीक है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से बड़े मॉलिक्यूल्स जो बने, जिनमें आगे सेल्स बनाने की क्षमताएं डेवलप हुई, उन बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स को ही समझ लिए, कोएजर वेट कहा गया है। और कोएजर वेट से आगे चल के बना है
प्रोटोसेल्स, ठीक है, प्रोटोसेल से आगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये कोइसर वेट का निर्माण और उसके आगे सेल्स का निर्माण कैसे हुआ, इसका एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो अब तक नहीं पता है। हमने मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में देखा था कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट से दिखाया था, लेकिन ऐसा कोई अभी तक मैकेनिज्म समझ में नहीं आया कि भाई ये कोइसर वेट जैसी चीज़ें आगे सेल्स क्यों बनाए, वहाँ मेम्ब्रेन कैसे डेवलप हुए, है ना, और उनमें लाइफ कैसे आई, ये सब चीज़ें ठीक से अभी तक नहीं पता है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। अब देखिए कौन से सेल्स में पहली बार ऑक्सीजन रिलीज करने की पावर आई, तो वो सेल्स थे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। मैंने पिछले क्लासेस में भी कई बार इस चीज़ को बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे, जो बैक्टीरिया थे समझ लीजिए एक प्रकार से, उन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की पावर जरूर थी, लेकिन वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं थी, क्योंकि वो H2S का प्रयोग करते थे फोटोसिंथेसिस में, इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकलता था, सल्फर निकलता था। पहली बार ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया ब्लू ग्रीन एल्गी ने, जिनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। एक्चुअली क्या हुआ कि जब H2S खत्म होने लग गया समुद्र में, तो इनको हाइड्रोजन सोर्स के लिए दिक्कत होने लग गई। अब समुद्र में पानी भरा पड़ा था, तो इन्होंने मॉडिफिकेशन शुरू किया कि हम H2S की बजाय H2O का प्रयोग करें। पहली बार उन्होंने प्रयास किया, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया वो थे जिन्होंने पहली बार ये प्रयास किया कि हम ऑक्सीजन इवॉल्व कर सकते हैं, हम H2O का प्रयोग कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। द रिएक्शन, ये चार्ट में भी आपको बताने वाला हूँ, द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वेयर वाटर इज स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ सोलार एनर्जी कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला मेरा चैप्टर देखा होगा, देखिए फोटोसिंथेसिस को मैंने NCERT बेस्ड भी पढ़ाया था और बाहर से भी मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन इनको NCERT बेस्ड और अलग से भी डिटेल भी पढ़ाया है, आप उनको ज़रूर देखिए, उनसे आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें मैंने बताया है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि H2O को ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन आयन, दो इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन निकलता है, यही हाफ ऑक्सीजन एक और हाफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालता है, तो H2O से ऑक्सीजन निकलता है। रुमेन हासिद और कामेन ने इस चीज़ को प्रूफ भी किया था, मैंने बताया था इस चीज़ को। तो उसी तरह की प्रोसेस इन लोगों के पास शुरू हो गई, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिकेम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स। तो अब जो है सिंगल सेल जो थे प्रोकैरियोटिक थे उनसे यूकैरियोटिक बने, फिर यूकैरियोटिक सेल्स जो है आपस में मिल करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने की प्रोसेस चालू कर चुके हैं। देखिए कैसे चालू हुआ, तो जो प्रोटोजोअन एनिमल्स थे जिनको अपन यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स, वो आपस में मिले। आप अगर फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक नाम आएगा प्रोटेरोस्पोंजिया, एक प्रोटोजोअन एनिमल का नाम है, एक सेल वाले एनिमल का नाम है प्रोटेरोस्पोंजिया। मैंने जब ये प्रोटोजोआ पढ़ाया था उस समय इसका जिक्र भी किया था। तो प्रोटेरोस्पोंजिया क्या है, ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जरूर हैं लेकिन ये आपस में मिल के रहते हैं, तो उनके मिलने से आपस में ग्रुप बनाने से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने की दिशा में एक इवोल्यूशन चालू हुआ, और वहीं से प्रोटोजोआ से पोरीफेरा बनना शुरू हुआ। इसलिए प्रोटेरोस्पोंजिया को कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं, प्रोटोजोआ पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने वो मैंने अभी आपको बताया। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियंस ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स वेयर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। अब देखिए आज से करीब ये 50 करोड़ साल पहले हुआ ना, इनवर्टिब्रेट्स बन गए और एक्टिव हो गए, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में आपके कॉर्डेटा से पहले के सारे जो हैं इनवर्टिब्रेट में आते हैं। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियंस ईयर्स एगो, तो करीब 35 करोड़ साल पहले जो है जॉलेस फिश बन गए थे, और सी वीड्स
एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियंस ईयर्स एगो। सी वीड हम किसको बोलते हैं, देखिए सी वीड में मेनली आते हैं एल्गी और ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये दो कैटेगरी हैं। एल्गी में भी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी ज़्यादातर हैं, और ब्रायोफाइटा नहीं है, सॉरी ब्रायोफाइटा तो समुद्र में है नहीं, एल्गी को ही सी वीड कहा जाता है। तो सी वीड से यानी एल्गी का डेवलपमेंट अभी से करीब जो है 32 करोड़ साल पहले हो चुका है। देखिए वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेडेड लैंड वेयर प्लांट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कि धरती में पहली बार निकल के आने वाले, पानी से निकल के आने वाले ऑर्गेनिज्म में प्लांट थे, न कि एनिमल। प्लांट में एल्गी से, जो एल्गी पानी में ही थे, उनसे बाहर निकलने की कोशिश किया था ब्रायोफाइटा ने, ठीक है। इसलिए ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। ये अलग बात है कि ब्रायोफाइटा के जितने भी मेंबर्स हैं, भले ही वो पानी के बाहर रह पाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के समय उनको पानी चाहिए रहता है, क्योंकि उनका जो मेल गैमिट है, जो एंथेरोजॉइड है, वो पानी में तैर करके फीमेल गैमिट से जाके मिलता है आर्किगोनियम में। तो पानी उनको तैरने के लिए जरूर चाहिए रहता है मेल गैमिट को। तो पानी की आवश्यकता तो एटलीस्ट उनको पड़नी ही है। कहाँ पर पड़नी है? जहाँ पर उनको फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो पहली बार एम्फीबिया जो है, सॉरी पहली बार ब्रायोफाइटा जो है वो धरती पे आए प्लांट में, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स आए, एनिमल्स बाद में आए हैं। एनिमल्स में जो एम्फीबिया ग्रुप है, जो फिश से डेवलप हुआ था, वो धरती पे पहली बार निकल के आए। अब आप ये सोचिए कि प्लांट जब पानी छोड़ के बाहर आया, तो प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि प्लांट में सिर्फ एक फर्टिलाइजेशन था जो पानी पे ज़्यादा डिपेंड करता था। लेकिन जब एनिमल जो है, फिश जो है, वो पानी छोड़ के बाहर आया एम्फीबिया के रूप में, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनकी एक जो खास मैकेनिज्म है, रिप्रोडक्शन तो था ही पानी में, लेकिन एक और खास मैकेनिज्म था, वो था रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन फिश जो है पानी में करता है गिल्स के माध्यम से। अब सोचिए कि जो गिल से सांस ले रहा है, वो लंग से सांस लेने के लिए कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया होगा। तो फिश से एम्फीबिया बनने में एम्फीबियन ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है। इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं हमारे तक आते तक, उसमें दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक तो एम्फीबिया है जैसा मैंने बताया, और प्लांट में है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ने जब ऑक्सीजन इवॉल्व करना शुरू किया H2O को यूज़ करके, तो वही ऑक्सीजन उनको जला देता था, क्योंकि उस समय अल्ट्रावायलेट रेज बहुत थे, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर था, तो जैसे ही ऑक्सीजन निकलता था, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में खुद ही जल जाते थे। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन जो थोड़ा बहुत जो बचता था, वो ओजोन बनाने लगा, ओजोन से अल्ट्रावायलेट बन रुकने लग गई, अल्ट्रावायलेट रुकने से नीचे टेम्परेचर कम होने लगा, तब जाके वो साइनोबैक्टीरिया बेचारे जिंदा बच पाए, वो जलने से बच पाए। तो सबसे ज़्यादा साइनोबैक्टीरिया ने स्ट्रगल किया है। और दूसरा स्ट्रगल किया है एनिमल में, अगर आप देखोगे तो वो एम्फीबिया है, क्योंकि वो पानी से लैंड में आने के लिए जो गिल से लेके लंग तक डेवलपमेंट किया, वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल है, ठीक है। इसलिए मेढक अगर आपको दिखता है, तो मेढक को देख करके एक बार नमस्ते कर लेना कि शायद ये हमसे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल रहा है। मतलब ये मजाक वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। दे वेयर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। और जब तक एनिमल पानी छोड़ के जमीन में आना शुरू किया, तब तक तो ये जमीन में काफ़ी फैल चुके थे। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। तो अब ये काम कौन किया, जो लैंड में आने का काम किया, वो उसने फिश ने किया। तो देखिए फिश के पास जो है, कुछ फिश ऐसे हुए जिन्होंने अपने अंदर एयर ब्लेडर्स डेवलप कर लिए। एयर ब्लेडर्स वो उनके गिल्स के साथ एक्सेसरी रेस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करने लगे। एक्सेसरी रेस्पायरेटरी ऑर्गन कैसे, मतलब गिल तो पानी में सांस लेते ही है, लेकिन जब उनको पानी नहीं मिलता था, तो हवा के द्वारा वो थोड़ी बहुत सांस लेने में सक्षम बनने लग गए। इनको हम लंग फिशेस कहने लग गए, जिनको हम डिप्नोई ग्रुप में शामिल करते हैं, डिप्नोई लंग फिशेस, लेपिडोसायरन इस टाइप के। तो जो लंग फिशेस थे, डिप्नोई थे, उनके पास जब एयर ब्लेडर डेवलप हो गया, जिसको हम अंदर में कहते हैं, उस एयर ब्लेडर की सहायता से वो पानी छोड़ के बाहर भी आने लग गया। पानी से बाहर आकर के कुछ समय रहता था, फिर चला जाता था, या एक तालाब से दूसरे तालाब तक वो मूव करके जा सकता था, ऐसा, ठीक है। तो उनके पास दो चीज़ें और थी,
मतलब एक और चीज़ जो थी स्पेशल, एक तो एयर ब्लेडर था ही, एक और चीज़ था स्टाउट एंड स्ट्रांग फिन्स, क्योंकि जो केवल पानी में तैरने के लिए बनते हैं ना, उनके फिन्स इतने स्ट्रांग नहीं होते कि धरती पे खिसक सके उनकी सहायता से, लेकिन इनके फिन्स धरती में उनको धीरे धीरे से खिसकाने में ऐसे मदद कर सकते थे, इतने मजबूत फिन्स थे। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो, तो आज से 35 करोड़ साल पहले करीब करीब ये प्रोसेस शुरू हुई। इन 1938 ए फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी ए सिलाकेंथ विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। देखिए अभी तक सिलाकेंथ जो है ये एक्सटिंक्ट प्राणियों में, विलुप्त प्राणियों में आता था, लेकिन साउथ अफ्रीका में पहली बार इसको 1938 में पकड़ा गया। दिस एनिमल कॉल्ड लोफ फिन्स इवॉल्व इन टू द फर्स्ट एम्फीबियन दैट लाइव डाउन द बोथ लैंड एंड वाटर। तो इनके पास जो फिन्स थे वो लोब्यूलेटेड थे, टुकड़ों में बने हुए, जिनसे ये धरती पे आगे बढ़ने में इनको सहायता मिलती थी। देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विथ अस, ठीक है, तो अभी तक इनका कोई स्पेसिमेन हमारे पास नहीं था, अभी भी नहीं है। शायद वो फिश पता नहीं कहाँ मिसिंग हो गया है, जो भी हुआ, लेकिन उसका भी स्पेसिमेन नहीं बनाया जा सका। हाउएवर दीज वेयर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स एंड सेलामेंडर्स, इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि ये वो लंग फिशेस थे जो धरती से बाहर, मतलब पानी से बाहर धरती में आ सकते थे। द एम्फीबियंस इवॉल्व इंटू रेप्टिलियंस, रेप्टाइल्स। देखिए अब एम्फीबिया पानी छोड़ के बाहर आया, धरती पे आया, तो इनके पास अब एक समस्या बची। एक तो उन्होंने हल कर लिया कि जो गिल्स थे उनसे उन्होंने लंग्स में डेवलप कर लिया, हालांकि अभी भी इनका जो लार्वा है वो पानी में ही रहता है, गिल में ही सांस लेता है, लेकिन फिर भी एडल्ट के पास कम से कम स्किन है, लंग है, वो पानी से बाहर सांस ले सकता है। लेकिन अभी भी इनकी एक समस्या जो बनी थी वो ये थी कि अभी भी इनका रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एम्फीबिया में। और दूसरा कि इनका जो स्किन था वो सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन को झेलने में ये सक्षम नहीं थे, तो इन्होंने अपने आप को रेप्टाइल में डेवलप करना शुरू किया, ठीक है। तो एम्फीबिया से रेप्टाइल डेवलप हुए। तो रेप्टाइल बनने में क्या दो तीन चेंज आए। एक तो चेंज आया कि इनका जो रिप्रोडक्शन है जो पानी में होता था, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में होता था, वो अब इनके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने लगा, मतलब अब पानी पे डिपेंड इनका डिपेंडेंसी खत्म हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक। पहला चीज़ हुआ कि पानी से ये अब कम्प्लीटली बाहर आ सकते थे, पानी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी इनको, रेप्टिलियन को। दूसरा कि इनके जो बच्चे थे, चूँकि अंडे के अंदर डेवलप होते हैं, तो अंडा इनका जो था एग, वो शेल्ड एग बनने शुरू हुए, क्योंकि एम्फीबिया की एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके एग्स जो थे वो नॉन शेल्ड थे, ठीक है, शेल नहीं था उनके ऊपर, कवर नहीं था, उसके कारण से बहुत फ्रेजाइल थे, पानी में थे, और जितने भी शत्रु थे, जितने भी प्रीडेटर्स थे, उनको खा जाते थे। अभी भी वही हाल है। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं, इन्होंने अपने अंडे धरती पे देना शुरू किया, क्योंकि धरती पे एनिमल्स की संख्या कम थी, और दूसरा इनके जो शेल थे, एग थे, वो शेल्ड एग थे, जिससे वो प्रोटेक्ट रहने लग गया, ड्राइनेस से प्रोटेक्ट रहने लग गया, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉय होने से बचने लग गए जो एग्स थे, और लंग्स इनका पूरा डेवलप हो चुका था, स्किन से सांस लेना बंद कर चुके, मतलब लंग इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि पूरी हवा जो है लंग से शरीर में जाने लग गई। तो ये कुछ मेजर चेंजेस आए एम्फीबिया से रेप्टिलिया तक, ठीक है। दे ले थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन सन लाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियन में शेल्ड एग नहीं था, पानी सूख जाता था, अंडे नष्ट हो जाते थे। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स द टर्टिल, टॉर्टोइसेस एंड क्रोकोडाइल्स। तो रेप्टाइल के नाम से जो हमारे सामने हैं वो कछुए हैं, है ना, जो पानी में रहते हैं टर्टिल, जो लैंड में रहते हैं टॉर्टोइस, मगरमच्छ हैं, जितने भी प्रकार के सांप हैं, छिपकली हैं, ये सभी वो रेप्टाइल्स हैं। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स, अब अगले 20 करोड़ साल तक क्या हुआ, रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड ऑन अर्थ। आज से 20 करोड़ साल पहले मीसोजोइक एरा चल रहा था, और मीसोजोइक एरा में जो रेप्टाइल्स थे वो पूरे धरती पे भरे पड़े थे, डायनासोर्स उसी समय धरती पे थे,
उसमें एक पीरियड था जुरासिक पीरियड, उस समय डायनासोर्स का राज था धरती पे। ऐसा माना जाता है कि कोई एस्ट्रॉयड आके टकराया धरती पे, और धरती पे टकराया तो उससे जो ऊर्जा निकली, जो एनर्जी निकली, वो करीब 1000 परमाणु बमों जैसा था, एटम बम जैसे। तो उतनी एनर्जी निकलने के कारण से धरती का तापमान एकदम से बढ़ गया और 90% जो ऑर्गेनिज़म्स थे वो नष्ट हो गए थे। 10% ऑर्गेनिज़म जो बचे, वो बचे जो छोटे साइज के थे, गुफाओं में, ज़मीन के अंदर, प्लांट भी इसी तरह से जो छिप सकते थे या छिपे हुए अंडरग्राउंड पार्ट में, वो सब जिंदा बचे, बाकी सब मर गए। डायनासोर इतने विशाल थे, नहीं बच पाए बेचारे, ख़त्म हो गए उस समय, ऐसा जो मॉडर्न थ्योरी है वो कहती है। लेकिन कोई भी थ्योरी अभी तक जो डायनासोर के बारे में दिया गया है वो 100% एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है अभी भी। यहाँ पर आगे है जायंट फॉर्म्स, सॉरी जायंट फर्न है। फर्न, फर्न क्या होते हैं देखिए, ये टेरिडोफाइटा प्लांट्स हैं, आपको नदी किनारे मिल जाएंगे, आपको पत्थरों के बीच बीच में ऐसे निकले हुए फेदर जैसे, और आपके घरों में भी गमलों में आप लगाते हो उसको, ऐसे निकल के कैसे फैले हुए होते हैं देखे होंगे, वो फर्न है। टेरिडोफाइट्स वेयर प्रेजेंट बट दे आर फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। तो ये जो टेरिडोफाइट्स थे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए एक बार के लिए धरती में, ठीक है। फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ज़्यादातर टेरिडोफाइटा धरती में दब गए, और यही जो है आगे चल के कोयला में बदल गए। जो हम आज कोयला निकालते हैं धरती से, कोल, वो कोयला इन्हीं जंगलों के दबे हुए अवशेष हैं जो गर्म कारण से, गर्मी कारण से थोड़े हल्के से जल के कोयला हो गए हैं। कभी यहाँ पर जंगल हुआ करते थे और जंगल जो है दब गए इकट्ठा, तो वो कोयला में बदल गए। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स एगो। इक्थियोसॉरस, इक्थियोसॉरस एक ऐसा रेप्टाइल था, डायनासोर कैटेगरी का था, जो पानी में रहता था। तो सोचिए कि रेप्टाइल वापस पानी में गए और पानी में जाके फिर से पानी वाले जीवन में ये कन्वर्ट हो गए कुछ रेप्टाइल्स। द लैंड रेप्टाइल्स वेर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स, ठीक है डायनासोर्स, ये तो धरती पे वही बोल रहे। द बिगेस्ट ऑफ देम दैट इज ट्राइनोसॉरस रेक्स। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि डायनासोर में सबसे बड़ा कौन था, तो वो था ट्राइनोसॉरस, ठीक है, टायरेनोसॉरस रेक्स। वॉज अबाउट 20 feet इन हाइट एंड हैड ह्यूज फियर्शम डैगर लाइक टीथ। तो सोचिए कि डैगर मतलब सब्बल, बड़े बड़े दांते थी, लंबी लंबी सब्बल जैसे, जिसे धरती खोद सकते हो आप, उतनी बड़ी दांते थी इनकी, और इनकी हाइट 20 फीट थी। हमारी हाइट जो है 5 feet और 6 feet के बीच में है, तो हमसे करीब 3.5-4 गुना ऊंचा था ये। हाथी भी 10-12 feet से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, हाथी ज़्यादा से ज़्यादा 15 feet होता होगा, 15 feet भी बहुत बड़े हाथी की बात कर रहा हूँ मैं, और ये 20 फीट तक तो आराम से होता था ये डायनासोर, ठीक है। और ये अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 6.5 करोड़ साल पहले, द डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ, अचानक गायब हो गए। क्या, वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन। मैंने अभी कहा ना कि कोई भी थ्योरी अभी तक मान्य नहीं है डायनासोर कैसे विलुप्त हुए, लेकिन ज़्यादातर ये मानते हैं कि एस्ट्रॉयड आके टकराया और डायनासोर विलुप्त हो गए। सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम, ठीक है, ये भी एक हो सकता है कि अचानक से क्लाइमेट इस तरह से बदलने लग गए कि वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाए, इतने बड़े साइज के थे कि अपने लिए छांव नहीं ढूंढ पाए, अपने लिए सही जगह नहीं ढूंढ पाए, और वो मर गए, ये भी हो सकता है। सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स, कुछ कहते हैं कि ज़्यादातर डायनासोर्स आगे चल के बर्ड्स बन गए, बर्ड्स में आर्कियोप्टेरिस जैसे बर्ड्स पहले बने, फिर उनका साइज छोटा होता चला गया, ऐसा भी मानते हैं, लेकिन ये तो कम से कम कोई सही थ्योरी नहीं है। द ट्रूथ मे लाइव इन बिटवीन, इनके बीच क्या हुआ ये एक कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी हो ये कोई जरूरी नहीं, कोई नया कारण भी हो सकता है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। अब इस वही सबसे बड़ी बात है कि देखिए छोटे साइज वाले रेप्टाइल वो जिंदा बच गए। तो मैंने कहा ना कि जब एस्ट्रॉयड टकराया तो जो छोटे साइज के एनिमल थे कहीं कहीं घुस घास करके अपने आप को बचा लिए, लेकिन ये जो बड़े साइज के थे जो ज़्यादा पावर दिखाते थे उस समय, वो सब निपट गए, ठीक है। तो नेचर के पावर के आगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का पावर बौना है। अभी जैसे मैं बार बार चर्चा कर रहा था,
अभी ये अप्रैल चल रहा है 2020 का, इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला है। जो बड़े बड़े महाशक्तियों को, अमेरिका है, इटली है, जापान है, रूस है, रूस में तो ज़्यादा नहीं है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये जितनी बड़ी महाशक्तियाँ जो धरती में हैं उनको अपने घुटने के सामने अपने सामने घुटने के बल बैठा दिया। ठीक है, इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म वायरस, कोरोना वायरस, इसने महाशक्तियों को घुटने में बैठा दिया। सोचिए, ये नेचर है, आपका पावर नेचर के पावर के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए। द फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक श्रीयूज। देखिए श्रीयू, मैंने चर्चा किया था, ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट भी इन्हीं श्रीयू से हुआ है, जिनको ट्री श्रीयू कहते हैं, है ना। तो ट्री श्रीयू क्या थे, अभी के जो गिलहरी है ना, लगभग उसके साइज के, छोटे से चूहे से भी छोटे साइज के मैमल्स थे। अभी चूहा भी मैमल ही है, गिलहरी भी मैमल है। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड, बहुत छोटे छोटे फॉसिल्स हमको मिले हैं। मैमल्स वेयर विवीपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबोर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। विवीपेरस, ओवीपेरस, ये सब मतलब मैंने बताया है। ओवीपेरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, विवीपेरस का मतलब होता है जो डेवलप्ड बच्चे देते हैं, जैसे हम लोग हैं, वो बच्चा जो है पूरा डेवलप्ड रहता है, सारे हाथ पैर नाक कान मुंह सब बना रहता है, भले साइज छोटा रहता है। लेकिन एक बीच का भी होता है, ओवो वीवी पेरस, कंगारू, मार्सुपियल्स, इनके बच्चे अनडेवलप्ड बच्चे होते हैं, ना तो अंडा ना डेवलप्ड, बल्कि अनडेवलप्ड, बीच का छोटा सा कंगारू का बच्चा, चम्मच में रख लो आप इतना बड़ा। ठीक है, ठीक है। तो वीवी पेरस लोग अपने यूट्रस के अंदर बच्चे को पालना शुरू किए, जिससे बच्चा सुरक्षित रहने लग गया। मैमल्स वेयर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लास्ट। मैमल्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इनका ब्रेन। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े ब्रेन वाले मैमल्स ही हैं, और उनमें भी सबसे बड़ा ब्रेन है हमारा, ह्यूमन बॉडी का। हमारा जो सिर है, इतना बड़ा सिर है, उसमें इतना बड़ा ब्रेन है, 1.5 किलो के आसपास का ब्रेन है। हाथी का सिर इतना बड़ा है, लेकिन ब्रेन उसका इतना बड़ा है। ठीक है, डायनासोर 20 फीट लंबा एनिमल था उस समय, और उसका जो ब्रेन था बादाम के आकार का था। व्हेल, ब्लू व्हेल, जो 30 हाथी के बराबर की साइज की है, इतनी बड़ी ब्लू व्हेल, जिसकी हार्ट एक मारुति कार इतनी बड़ी है, जिसके अंदर आप घुस के तैर सकते हो ब्लड में, इतनी बड़ी हार्ट। उस ब्लू व्हेल की ब्रेन जो है वो हाथी के ब्रेन के लगभग बराबर है, थोड़ा छोटा ही साइज का पाएगा। तो सोचिए कि सबसे बड़ा ब्रेन किसका है, वो आपका है। भले ही सिर चाहे कितना भी बड़ा है आपका, लेकिन ब्रेन सभी मैमल्स की तुलना में आपका ब्रेन सबसे बड़ा है। व्हेन रेप्टाइल्स कैम डाउन मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। जब रेप्टाइल कम होने शुरू हुए मीसोजोइक से, जब सीनोजोइक के आना शुरू हुआ, तो रेप्टाइल का राज खत्म हो गया, अब मैमल्स का राज शुरू हुआ धरती पे। अभी सीनोजोइक की एरा चल रहा है, इसमें मैमल्स का राज है एनिमल्स में, और प्लांट्स में राज है वो एंजियोस्पर्म्स का है। देयर वेयर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिसेम्बलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। ठीक है, साउथ अमेरिका में उस समय कुछ ऐसे मैमल्स थे जो आज के इन मैमल्स को मैच करते हैं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वेयर ओवरहिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। अब ये मैमल्स जो साउथ अमेरिका में थे, जब इनका नॉर्थ अमेरिका वालों से मिलन हुआ, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का लैंड जैसे जुड़ गया बाद में, तो नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स थे उन्होंने इन एनिमल्स को दबा दिया, लगभग खत्म कर दिया। ठीक है, ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउज्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। ऑस्ट्रेलिया चूंकि सबसे अलग हो गया, तो वहां के जो मैमल्स थे उनको कंपटीशन नहीं करना पड़ा, दूसरे जगह के मैमल्स वहां पर नहीं पहुंचे, तो वो ज़्यादा इवॉल्व हो गए। तो आज के डेट में जितने भी मार्सुपियल्स हैं, मेटाथिरियंस और प्रोटोथिरियंस भी, ज़्यादातर वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। ठीक है, तो उनको कॉम्पिटिशन से वो बचे रहे वो। लेट्स वी फॉरगेट सम मैमल्स लाइफ वोली इन वाटर। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ मैमल्स जो पूरे पानी में रहते हैं, जिसमें ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, सील है, सील काऊ है, और सम एग्जांपल्स। ये पानी में रह गए,
ये अलग बात है कि पानी में रहते हुए भी ये गिल्स के द्वारा सांस नहीं लेते हैं, लंग्स के द्वारा लेते हैं, और उसके लिए पानी के सरफेस में आते हैं बार बार और सांस लेके अंदर घुस जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एट्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन, यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। देखिए, हॉर्स का इवोल्यूशन हम लोग अलग से जो हमारे स्टडी मटेरियल होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनमें हम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं दिया है तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको। हायर क्लास में पढ़ना है लिखा है तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा आगे कि अपने जो जो जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उनमें से मटेरियल लेकर के ये वीडियोस दोबारा बनाऊँ, लेकिन फिलहाल हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो हम इसको इतने ही पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस, है ना। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विथ लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। धरती में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन के पास है, और बोलने की क्षमता जो एक लैंग्वेज के तरीके पे यूज़ होता है वो भी केवल मैमल के पास है। भले ही आपको तोता जो है बोलते हुए दिखेगा, पहाड़ी मैना बोलते हुए दिखेगी, लेकिन ये उसको अपने कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करते। एक तोता दूसरे तोता से उस तरह से बात करके कम्युनिकेट नहीं करता है। तो स्पीच डेवलपमेंट जो है वो केवल मानव के पास हुआ। ए रफ स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, देयर टाइम्स ऑन जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेटेड इन फिगर 7.9 एंड 7.10। तो ये हम देखेंगे अभी, ठीक है, इसको हम देखते हैं एक मिनट है पहले। ये ठीक है, ये पहले मैं आपको दिखाता हूं। स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। देखिए, तीन एरा का यहां पर दिया है, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। ये अभी चल रहा है, इससे पहले मीसो, इससे पहले पैलियोजोइक, ठीक है। अब देखिए कि पैलियोजोइक में सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये चार पीरियड्स दिखाए हैं, चार पीरियड हैं ये, मतलब एरा को पीरियड में बांटा गया है, ठीक है, महाकल्प, महाकल्प को पीरियड में। उसके बाद मीसोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये तीन मेन पीरियड दिखाया है। उसके बाद जो सीनोजोइक है इसमें टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ये दो पीरियड में बांटा है। देखिए अब क्या हुआ, देखिए पैलियोजोइक एरा से पहले जो एरा था वो था प्रोटोजोइक एरा, जिसमें सब प्रोटोजोन्स वगैरह डेवलप हुए और उससे ऊपर के चीज़ें डेवलप हुई, क्योंकि पैलियोजोइक में आते आते तक तो फिश डेवलप हो चुके थे और इनमें जो है टेरिडोफाइटा डेवलप हो चुके थे प्लांट में। अब नीचे से देखिए क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहां पर लिखा है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। क्लोरोफाइट एंसेस्टर कौन, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोफिल था, जो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम थे, और उनमें नाम आता है मेनली ग्रीन एल्गी का, इनमें ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी से पहले ब्लू ग्रीन एल्गी था, उसने पहली बार फोटोसिंथेसिस किया जो सनलाइट लेकर के और वाटर को लेकर के। तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर जिनके पास क्लोरोफिल था, इनसे आगे बढ़ा। देखिए आगे बढ़ा तो पहला है इसमें ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर, एक ब्रांच ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर, और इसमें बीच में एक ब्रांच निकल के गया है, इधर देखेंगे आप तो सीधा ये ऊपर गया है ब्रायोफाइटा में। तो एल्गी से दो चीज़ें बनी आगे चल के, एक तो ब्रायोफाइटा इधर बनी और एक टेरिडोफाइटा इधर बनी, क्योंकि ट्रेकियोफाइट का मतलब होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, और जाइलम फ्लोएम पहली बार बना वो था टेरिडोफाइट, ठीक है। तो टेरिडोफाइट में जाइलम फ्लोएम बने, वो ट्रेकियोफाइट आए। तो एल्गी से एक तो टेरिडोफाइटा और दूसरा ब्रायोफाइटा बने, ठीक। अब ये ब्रायोफाइट जो थे ये आज भी ब्रायोफाइटा के रूप में हैं। देखिए सीनोजोइक एरा में ये ब्रायोफाइटा के रूप में हैं, ये यहाँ से देखो बनने शुरू हो गए थे, यहाँ से पैलियोजोइक एरा से बने, परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इनमें डेवलप होते चले गए और अभी भी ये ब्रायोफाइटा के रूप में हैं, ठीक है। लेकिन इसी एल्गी ग्रुप से जो टेरिडोफाइटा बने, अब ये टेरिडोफाइटा का क्या हुआ, देखिए टेरिडोफाइटा में आगे राइनिया टाइप प्लांट्स, राइनिया ये आज विलुप्त प्लांट है, एक्सटिंक्ट है, इनके हमको फॉसिल मिले थे,
और ये जो है टेडोफाइटा के विलुप्त प्लांट में आते हैं, टेडोफाइटा में आते हैं। इसके ऊपर भी साइलोफाइटॉन, ये भी टेडोफाइटा में आते हैं। तो टेडोफाइटा आगे डेवलप करते चले गए और इनसे आगे जिम्नोस्पर्म्स डेवलप हुए, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म डेवलप करने वाले प्लांट्स ऊपर चले गए, लेकिन बीच में एक प्लांट और बना, इधर आप देख सकते हैं, आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेसियस लाइकोपोड्स, और ये ऊपर, ये अब ये विलुप्त हो चुके हैं। लाइकोपोड्स के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। लाइकोपोडियम आज भी जीवित है, यहाँ पर इसलिए थोड़ा ऊपर तक खींचा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइकोपोडियम, जो आज इसमें मिलता है, आज सीनोजोइक एरा में। तो इनसे लाइकोपोडियम ग्रुप से जिम्नोस्पर्म नहीं बने, जिम्नोस्पर्म इसके इस वाले ग्रुप से बने, इस राइनिया साइलोफाइटा इस ग्रुप से बने। तो अब देखिए, जैसा मैंने कहा इनसे जिम्नोस्पर्म बने, तो जिम्नोस्पर्म में ये देखिए, एक तो ये कोनीफेरस प्लांट्स, ये जिम्नोस्पर्म है ना, आगे चल के साइकेड्स, ये जिम्नोस्पर्म है, नीटेल्स जिम्नोस्पर्म है, जिंगगो जिम्नोस्पर्म है। लेकिन इनमें से टेडोफाइटा ग्रुप जो आज भी चला रहा है वो फर्न है, और एक और टेडोफाइटा यहाँ पर हॉर्सटेल, हॉर्सटेल स्फेगनम, ये आज भी टेडोफाइटा है, ये मिलता है इसमें पानी में। तो मैं बता रहा था कि ये जो साइलोफाइटॉन, ये टेडोफाइटा है, इसे टेडोफाइटा के ही फर्न और हॉर्सटेल बने, लेकिन इसी से आपके जिम्नोस्पर्म भी आगे डेवलप करते चले गए। ये सब जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिंगगो, कोनीफर, साइकेट्स और नीटल्स। जिंगगो कोनीफर में पाइनस, साइकस और नीटम, ये इनके मेंबर्स हैं। अब इनमें अगर आप देखोगे तो एक्चुअली फर्न में भी यहाँ पर ऐसे करके एक ग्रुप जाता है, यहाँ पर ऐसे बनता है ना, प्रो जिम्नोस्पर्म शीट फर्न्स। तो ये जिम्नोस्पर्म में ही शीट फर्न बने, मतलब जो समझ लो जिनको अपन टेरिडियम है ना, सॉरी टेरिडियम नहीं, शीट फर्न उनको कहा जाता है, जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन था, ठीक है, मार्सिलिया उसमें एक एग्जांपल है, यस मार्सिलिया हेट्रोस्पोरस टेडोफाइटा है, उनमें स्पोर्स, मैक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बने थे, वहीं से शीट डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो शीट फर्न कहलाते थे वो, उनसे आगे चल के साइकस है, ये बने है ना, और इधर तो पहले ही यहाँ से बन चुके हैं, देख सकते हैं नीटम, कोनीफर, जिंगगो, ये यहाँ से बन चुके हैं, साइकस यहाँ से बना। अब इन्हीं से एंजियोस्पर्म भी बनने शुरू हुए। एंजियोस्पर्म में पहले डाइकॉट बने, बाद में मोनोकॉट बने, इसलिए मोनोकॉट ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म बने, तो पहले एल्गी बने, एल्गी से ब्रायोफाइटा अलग और टेडोफाइटा अलग, फिर टेडोफाइटा से दो ग्रुप बना, जो केवल टेडोफाइटा रह गया, और जो आगे चल के टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में डेवलप हुए। अब जिम्नोस्पर्म बने, तो जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म से सीड बने, और इधर आगे चल के डाइकॉट मोनोकॉट ये बने। तो ये सारी चीज़ें किस किस टाइम में हुआ, ये टाइम यहाँ पर लिखा है, देखिए इनको टाइम को भी हमको समझना है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो पेलियोजोइक, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, यहाँ तक आप देखेंगे तो पेलियोजोइक तक आप देखेंगे कि केवल टेडोफाइटा डेवलप हो पाए हैं, ठीक है। मीसोजोइक में आएंगे तो मीसोजोइक में आपको ये देखिए जितने भी ये जिम्नोस्पर्म है ये सब डेवलप होते दिखेंगे, और पहली बार एंजियोस्पर्म ये मीसोजोइक खत्म होते होते में बना, और अब ये एंजियोस्पर्म पूरा इसमें आपको भरे पड़े मिलेंगे। इस तरह से प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ। एनिमल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसी बीच में सब काम एनिमल के साथ भी हुआ, देख सकते हैं, ये कार्बोनीफेरस, परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक है ना। तो ये कार्बोनीफेरस जो था, इधर देखिए थोड़ा सा वापस आते हैं अपन, है ना, ये देखिए कार्बोनीफेरस जो था ये पैलियोजोइक का आखिरी पीरियड था, ठीक है, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट था, परमियन इसका आखिरी था। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए कार्बोनीफेरस, परमियन, ये दोनों पैलियोजोइक है, इधर जो है ये यहाँ तक मीसोजोइक है, और ये यहाँ पर सीनोजोइक है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि पैलियोजोइक एरा के आखिरी आखिरी में ये देखिए अर्ली रेप्टाइल जो अब नहीं है ये डेवलप हो चुके थे। इससे पहले एम्फीबियन, फिश, ये सब पैलियोजोइक एरा में डेवलप हुए, और पैलियोजोइक के आखिरी आखिरी में रेप्टाइल जैसे अर्ली रेप्टाइल्स डेवलप हुए। अब इनके ख़त्म होते होते तक देखिए ये जो मीसोजोइक एरा आया, मीसोजोइक एरा में ये बड़े बड़े रेप्टाइल डेवलप हो गए, ठीक है, फिर मीसोजोइक एरा खत्म होते होते में ये बड़े रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो गए,
और छोटे रेप्टाइल बच गए आज, ये सारे जो प्लांट एनिमल्स हैं ये सीनोजोइकेरा में हैं। तो आप देख सकते हैं टर्टिल, लिजार्ड, स्नेक, ट्रॉटरस और क्रोकोडाइल, ये सब रेप्टाइल हैं, लेकिन छोटे रेप्टाइल हैं, बड़े रेप्टाइल विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद बर्ड है और मैमल है, तो ये दो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आज सीनोजोइकेरा में भी हमको मिल रहे हैं। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जितने रेप्टाइल थे ये ज़्यादातर, ये देखिए ये मीसोजोइकेरा में ज़्यादातर रेप्टाइल मिल रहे हैं, ठीक है। और ये पैलियोजोइकेरा में पहली बार डेवलप होना शुरू हुए थे, इस तरह से ये बने, ठीक है। ठीक है, अब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन ये हम अभी पढ़ लेते हैं फटाक से, इसको ख़त्म कर देते हैं इस टॉपिक को, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैन का इवोल्यूशन जो है अफ्रीका से ही माना जाता है, और पहली बार जो है जो सीधा खड़ा हुआ उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, है ना, उसी ने पहली बार आग का भी प्रयोग किया ऐसा माना जाता है। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 150 लाख, ठीक है, साल पहले, मतलब 1.5 करोड़ साल पहले से शुरुआत है, ठीक है। प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वेयर एग्जिस्टिंग, ये मानव जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स थोड़े थोड़े, ठीक है। प्राइमेट कौन, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, बाकी सभी नॉन प्राइमेट हैं जिनमें वेस्ट्रस साइकिल चलता है। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस आज से 1.5 करोड़ साल पहले मिले, ठीक है। और ये जो थे इनका शरीर पूरा बालों से ढका था, और ये गोरिल्ला जैसे दो पैरों पे भी चल सकते थे, दो पैरों पे चलने वाला सबसे पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। दे वेयर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजीज, एक्चुअली गोरिल्ला चिंपांजी कैसे चलते हैं, दो पैरों से चलते हैं लेकिन हाथ कैसे थोड़ा थोड़ा सहारा लेके ऐसे चलते हैं, आप देखे होंगे थोड़ा सा, है ना, इस टाइप का चलता था ये। रामापिथेकस वॉज मोर मैन लाइक व्हाइल ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक, गोरिल्ला चिंपांजी से ज्यादा मैच करता था ड्रायोपिथेकस, और मानव से ज्यादा मैच करता था रामापिथेकस। रामापिथेकस भारत के शिवालिक हिल से खोजा गया था डुबोइस के द्वारा, इसलिए इसका नाम रामापिथेकस रखा गया है। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया, आगे हम देखेंगे वो फिगर जो देख रहे हैं। These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in eastern Africa. तो आज से 30-40 लाख साल पहले अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में मानव जैसे प्राइमेट घूमते थे 30-40 लाख साल पहले, मतलब ठीक से मानव जो इधर 30-40 लाख सालों से ही है। They were probably not taller than 4 feet but walked upright. इनको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, जो दो पैरों पे चला हुआ, भले ही 4 फुट हुआ था। 2 million years ago, यानी 20 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस probably lived in East Africa grassland. ये जो अफ्रीका के बड़े बड़े grassland हैं जिनको अपन सवाना कहते हैं, सवाना क्या होता है पता है ना, grassland with scattered tree, ये इसमें पढ़ेंगे इकोलॉजी में, तो वहां घूमते थे ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एविडेंसेस शोज दैट दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट्स, ये पत्थर के बने हुए औजार का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए, लेकिन ज्यादातर ये फल फ्रूट ही खाते थे, ज्यादातर ये वेजिटेरियन फूड को ही पसंद करते थे। सम ऑफ द बोन्स एमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट, इनके बोन्स हमको मिले हैं, उनके बोन्स और हमारे बोन्स में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनाइड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस, तो पहली बार होमो हैबिलिस ऐसे हमको मिले, ठीक है, जो दो पैरों पे भी चलते थे। द ब्रेन कैपेसिटी वेयर बिटवीन 650 to 800 cc, ये ब्रेन कैपेसिटी आपको सबका ध्यान रखना भाई, हमारा जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 1350 cc से 1400 cc है, और हमसे पहले जो क्रोमैग्नॉन था उसका 1600 cc था, मतलब क्रोमैग्नॉन का हमसे ज़्यादा ब्रेन, बड़ा ब्रेन था, हमारा 1350 to 1400 है हमारा, क्रोमैग्नॉन का 1600, उससे पहले नियंडरथल था उसका हमारे जैसा था, नियंडरथल उसका। होमो हैबिलिस का है 650 to 800,
दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये शुद्ध शाकाहारी थे ऐसा माना जाता था। कैसे माना जाता है पता है, दांत को देख के। दांत का स्ट्रक्चर ना शाकाहारी मांसाहारी में अलग अलग होता है। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस। ये आ गया जावा, जावा मैन, ये जावा में ही खोजा गया था इसलिए इसका नाम जावा मैन, होमो इरेक्टस इरेक्टस, अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो, 15 लाख साल पहले जावा एप में हमको जावा में मिला, जिसको हम होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc। अब थोड़ा ब्रेन बड़ा हुआ, होमो हैबिलिस में 800 तक था, इसमें 900 हुआ। ये आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपांजी एंड एडल्ट चिंपांजी, ठीक है। द स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी स्कल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेबी चिंपांजी का जो स्कल है वो मानव के स्कल जैसा है। ये आप देख सकते हैं ये बेबी चिंपांजी और ये बड़े होने के बाद चिंपांजी, तो बेबी चिंपांजी का मानव जैसा, और ये एडल्ट चिंपांजी का एडल्ट देख सकते हैं, इसका इसके साथ कम मैच हो रहा है, इसके साथ ज़्यादा मैच हो रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। होमो इरेक्टस यानी जावा एप मैन प्रोबेबली एट मीट, अब ये मांसाहारी था। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि बार बार शाकाहारी मांसाहारी चेंज हो रहे हैं। द नियंडरथल मैन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमसे जस्ट एक पीढ़ी पहले था, हमसे पहले क्रोमेग्नान, उससे पहले नियंडरथल, और इसका ब्रेन हमारे इतना बड़ा। द नियंडरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज 1400 cc लाइव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 lakh to 40,000 years बैक, आज से 40,000 साल से 1 lakh साल पहले, मतलब 40,000 साल पहले ले लो और उसके पहले अगले 60,000, उस बीच में था ये, क्योंकि अब से 40,000 साल पहले ठीक था क्रोमेग्नान। टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, ये कपड़े पहनते थे चमड़े का, चमड़े को कपड़े के रूप में पहनते थे और बॉडी को दफनाते थे। होमो सेपियंस ए रोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। अब होमो सेपियंस की बारी आई, तो होमो सेपियंस फॉसिलिस, ये क्रोमेग्नान था और होमो सेपियंस सेपियंस, ये मॉडर्न मैन है, ये पूरी दुनिया में फैल गए अफ्रीका से, अफ्रीका में पैदा हुआ ये माना जाता है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 years एगो मॉडर्न होमो सेपियंस एरोज, दुनिया में ज़्यादातर एरिया में बर्फ जमा हुआ था, आइस एज कहा जाता है इसको, 75,000 साल से 10,000 साल पहले तक का ये ईयर था, इस बीच में होमो सेपियंस डेवलप हुआ, पहले क्रोमेग्नान फिर मॉडर्न मैन। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 years एगो, जो इसको जो गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है ना, वो आज से 18,000 साल पहले की गई है और उसको हम आज नहीं कर पा रहे हैं, वैसा वाला जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में है। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एज भीम बेट का रॉक सेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भीम बेट का में ऐसा एक तैल चित्र जो चट्टानों में है वो आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा मध्य प्रदेश में। एग्रीकल्चर कैम अराउंड 10,000 years बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, 10,000 साल पहले से हम कृषि कर रहे हैं और मानव फिर एक जगह रहना शुरू किया, क्योंकि कृषि चालू हुई ना तो मानव एक जगह रहना इसलिए चालू कर पाया क्योंकि उससे पहले वो घूम घूम करके अपना खाना बटोरता था, लेकिन अब कृषि चालू हुआ तो एक जगह रहना पड़ा उसको, वहाँ पर कृषि करना चालू किया। लेकिन तब जो है झूम कृषि होती थी, झूम, उसमें क्या करते थे, एक जगह साफ करके खेती करना शुरू करते थे, वहाँ जब फसल कम होनी शुरू होती थी छोड़ के दूसरी जगह जाते थे, वहाँ फिर खेती करना चालू करते थे। आज भी कुछ जगहों पे ये सिस्टम लागू है नॉर्थ ईस्ट साइड में। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आगे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इसकी कहानी आती है, तो ठीक है ये तो खत्म हो गया। तो मेन मेन पॉइंट जो मैंने आपको ह्यूमन इवोल्यूशन में बताया वो भी आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो जरूर कर लें प्लीज़, है ना, शेयर कर दें थोड़ा सा और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो आपसे मेरे को बहुत हेल्प मिल रहा है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलता रहे, आपका हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ा बेहतर चीज़ें आपको पढ़ाने की, ठीक है, फिर थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।